जीत के बाद भी क्यों निराश दिखे शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के कप्तान ने बताई ये बड़ी वजह। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। गुजरात टाइटंस के जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। गुजरात ने 12वें मैच में से 5 जीत और 7 हारे हैं, उसके 10 अंक हो गए हैं। गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद अभी है, हालांकि उसे बाकी के दोनों मैच जीतने होंगे और अन्य टीमों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। इसी के चलते कप्तान शुभमन गिल निराश दिखे। आईपीएल 2024 के 59वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। गुजरात ने यह मुकाबला 35 रन से अपने नाम किया। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने कहा कि हम मैच के लिहाज से नहीं नेट रन रेट के लिहाज से पीछे रह गए। दरअसल गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंच गई है और गुजरात ने 12 में से 5 जीते और 7 हारे हैं, उसके 10 अंक हो गए हैं। गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद अभी है, हालांकि उसे बाकी के दोनों मैच जीतने होंगे और अन्य टीमों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। इसी के चलते चेन्नई के खिलाफ मिली जीत के बाद भी कप्तान शुभमन गिल निराश दिखे। बता दें कि आईपीएल इतिहास की 100वीं सेंचुरी शुभमन गिल के बल्ले से निकली। शुभमन गिल ने 55 गेंद पर 104 रन की पारी खेली, इस दौरान 9 चौके और 6 छक्के जड़े। वहीं आईपीएल इतिहास की 101वीं सेंचुरी साई सुदर्शन ने जड़ी। साई ने 51 गेंद पर 103 रन की पारी खेली, ये उनके आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी रही। आईपीएल 2024 के 59वें मैच में गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला गुजरात के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आयोजित है। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरी बार भिड़ंत है। पिछली भिड़ंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 रनों से जीत दर्ज की थी। टॉस हारने के बाद गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला। ओपनिंग जोड़ी के रूप में उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने तेज शुरुआत की। साई सुदर्शन ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक जड़ा, इसके बाद अगली 25 गेंद पर शतक जड़ा। ये साई सुदर्शन का आईपीएल में पहला शतक रहा। इससे पहले साई सुदर्शन का सर्वोच्च स्कोर 96 रन का था, जो चेन्नई सुपर किंग्स के ही खिलाफ साल 2023 के फाइनल में बनाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।